क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया कि व्हाट्सएप चलाते समय कितनी ही बार आप ये मैसेज देखते हैं कि दिस मैसेज वॉज डिलीटेड, और आप सोच में पड़ जाते हैं कि यार आखिर ये मैसेज क्या था जिसे भेजने वाले ने जल्दी से डिलीट भी कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी टेक्निक जिसके थ्रू आप इजीली अपने व्हाट्सएप के डिलीटेड मैसेज भी देख पाएंगे। तो आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं आपके सामने एक डिवाइस है, इस फर्स्ट डिवाइस से या अगले नेक्स्ट डिवाइस को मैं मैसेज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ मैसेज किया है, आप इजीली देख पा रहे हैं कि ये मैसेज यहाँ आ गया है। अब मैं यहाँ इस डिवाइस से इसको टैप करता हूँ और यहाँ मैसेज मुझसे पूछा जा रहा है, मैं यहाँ डिलीट फॉर एवरीवन कर देता हूँ। जैसे ही मैं डिलीट करता हूँ, यह मैसेज यहाँ से डिलीट हो चुका है और यहाँ लिखा आ रहा है दिस मैसेज वॉज डिलीटेड। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम इस ऐसे मैसेज को इजीली देख सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में हम जाकर यहाँ सर्च ऑप्शन में टाइप करेंगे नोटिसेव, NOTISAVE, नोटिसेव ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आ गया है, सजेस्ट किया जा रहा है। मैं यहाँ पर नोटिसेव ऑप्शन को इंस्टॉल करता हूँ। फ्रेंड्स, बहुत ही छोटा सा ऐप है और बहुत ही मैजिकल इफेक्ट है इसके। इसकी डाउनलोडिंग शुरू हो गई है और कुछ ही देर में हम अपने नोटिफिकेशन को देख पाएंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी नई एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ और यह मुझसे पूछा जा रहा है कि नोटिफिकेशन के लिए क्या हम इसे अलाउ करते हैं। हम इसे अलाउ करते हैं और नेक्स्ट यहाँ अलाउ होने के बाद में अब हमसे पूछा जा रहा है क्या हम अपने फोटोज़ और मीडिया के लिए इसको एक्सेस अलाउ करते हैं। हम इसे भी अलाउ करते हैं। हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर लोड हो रही है फ्रेंड्स, और यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ ऐप्स आ रही हैं। यहाँ हमें यहाँ पर सारे नोटिफिकेशन अगर नहीं चाहिए सारी ऐप्स के, तो हम यहाँ पर इसे बंद कर देते हैं और हमें चाहिए सिर्फ एक ही नोटिफिकेशन व्हाट्सएप, हम इसे यहाँ पर ऑन कर देते हैं। यह होने के बाद अब यहाँ पर हमें साफ लिखा आ रहा है कि जो जो भी मेरे पास जैसे 53 एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं उनमें से सिर्फ एक ऐप मतलब व्हाट्सएप के जो नोटिफिकेशन होंगे वही मुझे यहाँ पर शो होंगे। अब मुझसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शो ऑन स्टेटस बार, स्टेटस बार पर क्या शो होगा। यहाँ पे मैं यह कर देता हूँ ओनली व्हाट्सएप मैसेजेस, सिर्फ इसे ऑन रखता हूँ, बाकी मैं इसे सभी को ऑफ कर देता हूँ। आइए हम पीछे हो जाते हैं। अब यहाँ पर मुझसे पूछा जा रहा है कि सेविंग न्यू नोटिफिकेशन यहाँ पर लिखा आ जाएगा, और अब इस सेटिंग को मैं यहाँ पर लिख रखा है कि मार्क नोटिफिकेशन एज रेड, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। अब जो भी नोटिफिकेशन होंगे फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर शो होंगे, ऑन कर दिया है। अब मैं यहाँ पर अपनी फिर से पुराने डिवाइस से कोई मैसेज टाइप करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि देख रहे हैं कि मैंने मैसेज यहाँ से भेज दिया है और ये मैसेज यहाँ पर आप इजीली देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये यहाँ आया है। अब मैं इस मैसेज को अगर डिलीट भी कर देता हूँ तो ये मैसेज यहाँ से गायब नहीं होगा। मैंने यहाँ पर इस मैसेज को डिलीट कर दिया है और यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसा कि नोटिफिकेशन के अंदर आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन शो होगा कि यह मैसेज डिलीट हो गया है। फ्रेंड्स, आप इजीली देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा आ रहा है कि दिस मैसेज वॉज डिलीटेड, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि जो मैसेज मैंने यहाँ से किया था वो यहाँ से डिलीट हो गया है, लेकिन अभी भी यह मैसेज यहाँ पर शो हो रहा है। फ्रेंड्स, बहुत सिंपल एप्लीकेशन है, लेकिन इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक है कि यह सिर्फ लेटेस्ट वर्जन जो ऑक्सीजन है या नॉगेट हैं उन पर ही वर्क करता है। आई होप आपके पास ये फ़ोन एंड्रॉयड का नया वाला होगा जिस पे आपके सारे नोटिफिकेशन शो होंगे। यदि आपके नोटिफिकेशन अभी शो नहीं हो रहे हैं तो प्लीज़ अपने एंड्रॉयड डिवाइस को आप अपडेट करें ताकि आपको एप्लीकेशन का आप आराम से लुत्फ उठा सकें। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको और भी रोचक अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच।